अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। वेन एवर वी आर अपलोडेड अ न्यू वीडियो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट। नाउ ओपन द पेज नंबर 41 ऑफ बुक मैथ्स एंड सी द कन्वर्जन फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास रेलिवेंट है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम उसकी मेथड अडॉप्ट कर लेंगे, उसके मेथड को समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन से मूव करेंगे। सो इट दिस मेथड इज ऑन पेज नंबर 41। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं हमारे पास 10 को, ठीक है। हमने कल वाली लास्ट वाली जो वीडियो देखी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम बेस 5, 2, 8 इनको जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। आज जो हमने करना है, आज हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 2, 5 और 8 में लेकर आना है। तो सबसे पहली कन्वर्जन किससे है? डेसिमल्स टू बाइनरी सिस्टम। बाइनरी कहते हैं 2 को, तो हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, कन्वर्ट 15 इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 2। तो आपने बेस 2 के साथ इसको कन्वर्ट करना है। 15 है, 2 7 14 आ गया, तो आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। 14 के बाद 15 में से 14 माइनस के 1 बच गया, तो ये 1 साइड पे आ जाएगा। 2 3 6, 6 यहाँ से चला गया, 7 में 6 माइनस के 1 बच गया, 1 इधर साइड पे लिख दिया। 2 1 2, ठीक है, 1 बच गया, तो 1 इधर साइड पे लिख दिया, और ये आपके पास क्या आ गया। अब हमने इसको राइट, यहाँ लेफ्ट टू राइट, और ये अब अबव की तरफ क्या करना है, लिखना है 1 1 1 1। तो हमने इसको इस तरह लिख के बेस की 2 में लिख देना है, ये आपके पास आंसर है। हमने रिमाइंडर्स को कंसिडर करना है बेसिकली, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में 541 है, इसको भी उन्होंने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। 2 2 4, 2 7 14, और आपके पास यहाँ पे 1 जो है वो नहीं आता, तो 0 लिख देंगे हम, इसकी जगह 1 ये वाला इधर रिमाइंडर में आ जाएगा। इसको आगे मजीद सॉल्व करें, 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10, कोई रिमाइंडर नहीं बचा इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, 15 में से 14 माइनस के तो 1 बच गया, तो 1 रिमाइंडर इधर आ गया, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, बाकी 1 बच गया, 1 इधर आ गया रिमाइंडर में। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, तो यहाँ पे 13 बनता था तो वो 12 आ गया, 12 में से 1 माइनस के तो आपके पास 1 इधर आ गया। 2 8 16 हो गया, रिमाइंडर कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2 4 8, रिमाइंडर 0। 2 2 4, यहाँ पे रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 0। अब इसको लिखना किस तरीके से है कि यहाँ से आपने शुरू करना है, ये पहले ये आएगा 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1, इसको आपने ब्रैकेट में लिख के नीचे बेस 2 लिख देनी है, ये आपके पास बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द बाइनरी सिस्टम। लेट्स टेक अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू आ नंबर विद बेस 5। अब बेस 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डिवन नंबर सिस्टम को हम इक्विवेलेंट बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करें 17 से, ठीक है, 17 को आपने कन्वर्ट करना है बेस 5 में। अब 17 है, अब इस 17 को आपने 5 पे करना है, ठीक है। जो हम बेस कंसिडर, पिछले में हमने 2 कंसिडर किया था क्योंकि बेस हमारे पास 2 थी, अब यहाँ पे बेस 5 है तो हमने इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 3 15, कितना बच गया, 17 में से 15 माइनस किया 2 2, यहाँ 3 जो है वो 5 से छोटा है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 3 और 2 यहाँ से आप लिख लेंगे, 3 और 2 ये दो ही नंबर हैं, तो इन दोनों का बेस 5 में लिख देंगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस बेस में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 2 है, 5 है, 8 है, हमने उसका जो एलसीएम मेथड स्टार्ट करना है वो उसी बेस नंबर से करना है। अगर बेस 2 है तो आप 2 से ही करेंगे उसकी डिवीजन, चाहे वो इनकम्प्लीट है या कम नहीं हो रही, ठीक है। अपने दोनों सूरतों में हमने 2 से करना है, और अगर बेस 5 को कहते हैं तो आपने उसको 5 से ही सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे वो एक स्टेप में होता है, चाहे वो दो स्टेप में होता है, चाहे वो रिमाइंडर एज इट इज आता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर एट आएगी तो आपने उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, उसकी बेस आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस यूनिट। एग्जाम्पल 4 देखिए, हमने 8 9 6 5 1 को हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 5 में कन्वर्ट करना है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 1 5, 3 बच गया, 3 39, 5 7 35 हो गया, 4 बच गया, 46 हो गया, 5 9 45 हो गया, 1 बच गया, 5 3 15 हो गया, यहाँ 1 सॉल्व नहीं हो सकता, 0 आ गया, 1 इधर रिमाइंडर में चला गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास 5 है, 5 3 15 हो गया, 2 बच गया, यहाँ 2 5 5 25 हो गया, 4 बच गया, 5 8 40 हो गया, 3 बच गया, 5 6 30 रिमाइंडर 0 हो गया।
फिर यहाँ पे 5 को हम आगे मजीद सॉल्व करेंगे. 5 1 5 2 बच गया, 5 4 20 1 बच गया, 5 6 3 15 2 बच गया, 2 यहाँ रिमाइंडर में आ गया, 5 2 10 ना आ गया, 4 बच गया, 4 इधर किया, 5 8 40 आ गया, 3 बच गया, 3 इधर रिमाइंडर में आ गया, 5 5 25 3 बच गया, इधर आ गया, 5 1 5 और 0 बच गया. अब हमने इसको सेम वही लिखने का तरीका कार, हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है 1 0, फिर ऊपर की तरफ 3 3 2 1 0 1. हमने तरतीब सेम रखनी है, हमने उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना. जो नंबर पहले आ रहा है वो पहले आएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में आएगा. हमने उसको यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और उसको ब्रैकेट्स में लिख के बेस 5 लिख देना है कि हमने इसको बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह डेसिमल नंबर को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट किया 824 को हमने इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 8 के साथ, तो हमारे पास 824 है. 8 1 8 0, क्योंकि 2 जो है वो सॉल्व तो हो नहीं सकता है, 8 पे छोटा है, तो हमने क्या किया 0 लगाया ताकि हम डबल नंबर को सॉल्व कर सकें. 3 8 24 हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0 हो गया. ठीक है, 8 1 8, यहाँ पर 2 बच गया, 2 इधर आया, 23 है, तो 8 के टेबल में 23 नहीं आता, 8 के टेबल में 2 16 सबसे छोटा नंबर है, तो 8 16 आ गया. ठीक है, 3 ये और 3 4 वो 7 7 बच गया, 7 इधर आ गया रिमाइंडर. अब 12 जो है वो 8 1 8, ठीक है, बाकी आपके पास कितना बच गया 4 बच गया, 4 इधर आ गया. ठीक है, अब इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे 1 4 7 0 ब्रैकेट 8 ऑक्टल नंबर. ठीक है, जहां तक आपके पास सॉल्व हो सकता है आपने इजीली उसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट 4837 इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 8. आपने 4837 को इक्विवेलेंट बेस नंबर में कन्वर्ट करना है. 8 6 48, ठीक है, यहाँ पे 3 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो छोटा नंबर है, तो आपने क्या किया 0 लिखा ताकि आप 37 को सॉल्व कर सकें. 8 4 36 हो गया, 8 4 32 हो गया, बाकी 5 बच गया, 5 इधर रिमाइंडर आ गया. 8 7 आपके पास हो गया 8 7 56 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, 4 इधर आ गया, 44 हो गया. 8 5 40 हो गया, 4 बच गया, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर. 8 9 72 हो गया, आपके पास 3 बच गया, यहाँ आ गया. 8 1 8 1 बच गया, 1 इधर आ गया. ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे 1 1 3 4 5. ठीक है, और उसको ब्रैकेट में 8 लिख देंगे. ये तीन तरह की कन्वर्जन थी, बेस 5, बेस 2 और बेस 8. ठीक है, ये आपने इसकी चारों एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स हैं ये आपने 6 की 6 एग्जाम्पल्स आपने प्रैक्टिस करनी है घर में, ठीक है, अपनी नोटबुक्स पे, ताकि आप इसके एक्सरसाइज वर्क कंटिन्यू कर सकें. लेट्स मूव टू द डायरी. टुडेज डायरी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, विच वी डिस्कस इन द वीडियो. यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर नोटबुक. ऑन दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन पेज नंबर 41 and 42 ऑफ यूनिट 3. सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एग्जाम्पल. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आर एक्सरसाइज. सो बिफोर अपलोडिंग अ न्यू वीडियो, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.